नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24 और मेरे साथ हैं हिंदी सिनेमा में एक नई लकीर खींच रहे और अपने काम से एक अलग धारा में एक कुछ चुनिंदा फिल्मों के जरिए कुछ ऐसी फिल्में जो सामाजिक स्तर पर समाज के लिए कुछ अपना माहौल बना पाए, एक संदेश दे पाए, उस तरह के फिल्मों में काम कर रहे यशवंत जी मेरे साथ हैं। चलिए हम उनसे सिनेमा पे और इसके साथ साथ रीजनल सिनेमा का जो दौर एक बार फिर लौटा है और साथ में OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए जो काम हो रहा है उन सब पे पूरी विस्तार से बात करेंगे। यशवंत जी, आज बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। सबसे पहले बात हम करेंगे कि अभी आपका जो सफर रहा, खास करके एक अंक फिल्म आपने की, लिटिल बॉय फिल्म की, तो ये सारी फिल्में जो है थोड़ी लीक से हट के फिल्में हैं और जो आजकल मोस्टली जो नए फेसेस होते हैं वो ट्रेंडिंग चीज़ों के पीछे भागते हैं। आप इन फिल्मों पे पड़े हुए हैं, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं रेस से पीछे ना छूट जाएं, कभी मन में ख्याल आता है? वो भाव तो शुरू से ही नहीं था। जब थिएटर कर रहे थे, थिएटर से सिनेमा की ओर गए, तब भी वो भाव नहीं था। करना अपने मिजाज का काम था, अपने जैसे लोगों के साथ काम करना था। तो इस यात्रा में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे उन लोगों तक पहुंचना पड़ा और कई बार वो लोग मुझ तक पहुंचे। तो ये सफ़र ऐसे ही चल रहा है। तो जो मेरी यात्रा है वो मेरी चुनी हुई है, स्वेच्छा से चुनी हुई है, तो उसमें किसी तरह का कोई फोर्स तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप करना चाहते हैं दिल से या जो आपकी इच्छानुरूप है, अगर वो काम आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वो सो कॉल्ड ट्रेंड, आजकल बहुत सारे लोग मतलब मिलते हैं, सजेशंस देते हैं कि आप ऐसा यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, वैसा खोल लीजिए, जो आजकल चल रहा है, तो मैं यही समझता हूँ कि मैं बात तो वही कह पाऊंगा ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं प्रोडक्शन हाउसेस की बात कर रहा था खास करके कि आजकल जो नए कलाकार जो हीरो बनने के लिए मुंबई जाते हैं, एक एक प्रोडक्शन हाउसेस बड़े बड़े, कोई धर्मा को पकड़ लिया या किसी को पकड़ लिया और फिर उसके जरिए उनको लगता है कि मेरी जर्नी अब आसान हो जाएगी, भले कोई रोल किसी तरह की चीज़ें मिलती रहें। लेकिन आपने चुना कि नहीं, हम इस तरह की चीज़ों को करेंगे जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, सोशल ओरिएंटेड हो, सोशल रिफॉर्म कर सके, तो क्या रिस्क नहीं लगता है? क्योंकि आप अभी उभर रहे हैं और इन चीजों के साथ जाएंगे, टाइम लगेगा आपको वहां अपने आप को एक तरह से अस्थाई करने में या एक फेस वैल्यू बनाने में। शुरू से ही देखिए, मुझे ना ऐसे ऐसे गुरुओं का बीच बीच में सानिध्य मिलता रहा या ऐसे लोग मिलते रहे कि मेरी जो कंडीशनिंग थी इस विचार की वो ऐसी ही बनती गई। ऐसा नहीं है कि कभी कोई रोल ऑफर नहीं हुआ या मैं कहीं तक नहीं गया। हाँ, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पर मैं कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि मैं जिस तरह का काम करना चाह रहा हूँ वो कर ही नहीं रहे। ये तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा कि मन मार के वो रोल करना जो आप नहीं करना चाहते, तो उसमें कितनी शिद्दत होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए। तो मुझे जिस तरह के रोल्स आकर्षित करते हैं, मैं जिस तरह का सिनेमा करना चाहता हूँ, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के तौर पर, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स के तौर पर, उन तक पहुँचना मेरी कोशिश थी, जिसमें कभी कभी मैं कामयाब भी हुआ है ना। तो अभी तक अपने सफर से कितने खुश हैं और किस तरह की फिल्में आपने की हैं, थोड़ा एक बार मेरे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। खुश तो देखिए, ये एक ऐसा सवाल है ना कि खुश तो परमानेंटली कभी कोई नहीं होता। रही बात संतुष्टि की, तो वो भी अभी पूरी तरह से नहीं मिली है। अभी बहुत लंबी यात्रा है, अभी शुरुआत भर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुश हूँ और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पर हाँ, मैं जिस तरह का काम अभी कर पा रहा हूँ वो एक सेटिस्फेक्शन मुझे जरूर देता है कि मैं जो ढूंढ रहा था वो अब मुझे मिलना शुरू हुआ है ना। वैसे लोग अब मुझे मिलना शुरू हुए, तो ये एक बात है। जैसे मेरी जो शुरुआत हुई थी वो संदीपन सर मतलब संदीपन विमल कामनागर सर की फिल्म थी, रंग महल एक प्रेम कथा, द टेल ऑफ थ्री सिटीज, वो मेरी पहली फिल्म थी 2013 में। जब वो मुझे ऑफर हुई थी, तो जब उसकी कहानी सर मुझे ऐसे ही ओशिवरा की गलियों में घूमते हुए हम लोग डिस्कस करते थे, तो मुझे लगता था यार ये कितनी प्यारी कहानी है ना, जो वृंदावन मथुरा और नैनीताल को जोड़ती हुई एक कहानी थी प्यारी सी। तो वो मुझे लगा यार कि मैं ऐसे ही तो कुछ करना चाह रहा था, है ना। फिर उसके बाद जब मुझे बियाबान मिली, मैंने मतलब कृष्णकांत पटेल सर के साथ काम किया, मुझे लगा यार तो कन्या भ्रूण हत्या पर है, कितनी पते की बात है, और मेरा किरदार उसमें जो कि सेंट्रल डायरेक्टर था, तो वो अपने थ्रू कितनी बात कह पा रहा है। फिर लगा कि एक सार्थक काम हुआ। ऐसे ही फिर मुरारी द मैड जेंटलमैन आई, तो उसमें गाँव के एक कम पढ़े लिखे लड़के की, जो जिसकी जिसका बिलीफ है कि वो अच्छी दोस्ती हो, है ना, अपने दोस्तों पर जान नौछावर करने वाली बात हो, तो फिर लगा कि यार कुछ और मीनिंगफुल मिलता जा रहा है। ये वो फिल्में थी जो मुझे उस वक्त मिल रही थी, जिनको मैं कर पा रहा था।